हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मीनू, वेलकम बैक टू लर्न विद लर्नर्स पार्क। तो आज हम कोई यूनिक बात नहीं करने वाले, आज हम बात करने वाले कि कुछ दिन पहले जैसे 7 days बिफोर एग्जाम व्हाट शुड वी डू। ठीक है, तो नियर अबाउट क्या है, 1 week रह गया है, तो हमें क्या करना चाहिए 1 week से, मतलब जब क्या है सिर्फ एग्जाम में 7 days ही रह गए हैं, तो क्या क्या चीजों पर हमें फोकस करना चाहिए, बेसिकली आज हम उसकी बात करेंगे। तो फर्स्टली क्या है, आपको इस टाइम पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज्यादा इधर उधर नहीं देखना चीजों को, ज्यादा नई चीजों को नहीं देखना। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या है इम्पोर्टेंट जो चीज है, आपने जितना भी पढ़ा है उसकी क्या करो, आप रिवीजन करो। आप रिवीजन क्या है, जो वीडियोज मैंने डाली हुई है उसको भी, क्योंकि रिवीजन के टाइप से ही डाली हुई है, उस तरह से भी कर सकते हो, चाहे अपनी बुक से जैसे भी आप पढ़े हो उससे भी कर सकते हो। तो फर्स्टली आपको रिवीजन करनी है, तो ये चीज बहुत ध्यान रखनी है, रिवीजन इस टाइम क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो पहला जैसे क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसके हमारे पास 30 questions आएंगे। हर एक सब्जेक्ट की इक्वली वेटेज है, तो आपको इक्वली इम्पोर्टेंस उसको देनी चाहिए, ये नहीं है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे दूसरे को नहीं। तो ठीक है, सीडीपी की एक ऐसा, मतलब हम कह सकते हैं कि एग्जाम में इस तरह का पार्ट है जिसे हम ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि इसमें सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपका टाइम सेव होता है बेसिकली इस सेक्शन में। तो अगर आप सीडीपी की इस टाइम क्या है, आप क्या करो सारी थ्योरी की एक बार वीकली रिवीजन कर लो, जो भी आपने पढ़ी हुई है, चाहे वो वीडियो से पढ़ो चाहे बुक से, आप क्या करो सीडीपी की सारी थ्योरीज को एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, मैथ्स के और साइंस के इस टाइम क्या कर सकते हो आप, साइंस का आप रिवीजन कर लो जो भी आपने पढ़ा है, और मैथ के जो फॉर्मूलाज है आप वो देख लो। ठीक है, जो भी आपने फॉर्मूलाज क्या है किए हैं, उस तरह से कोई मेथड है अलग किस्म का वो देख सकते हो। साइंस में भी क्या है, कुछ न्यूमेरिकल होते हैं, साइंस के भी कुछ न्यूमेरिकल होते हैं, उनके फॉर्मूलास देख लो। ठीक है, कोई कंसेप्ट है बेसिकली, ठीक है, कोई इस तरह से आप देख सकते हो इस टाइम पे। सीडीपी की आपको थ्योरी की रिविजन करनी है। अगर आपके पास एसएसटी है तो आपका जो भी जिस टाइप से बन रहा है उसकी भी आप करो गुगली रिविजन। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट है 60 marks का होता है, ये 30 marks का है और ये 60 का हो जाता है टोटल। उसके बाद आते हैं हमारे पास इंग्लिश, इंग्लिश की कुछ टर्म्स है जो इंग्लिश पैडागोजी और पंजाबी पैडागोजी सेम ही है। अगर आपकी पैडागोजी अच्छी है तो क्या है, आप तीनों सब्जेक्ट्स में सीजीटी इंग्लिश पंजाबी में सब कोर्स कर सकते हो। इंग्लिश पैडागोजी में आप क्या कर सकते हो, पैडागोजी के साथ साथ जो इंग्लिश की टर्म्स हैं, जिसपे मैंने 2 videos भी बनाई हैं, आप उनको भी अच्छे से देख सकते हो, वो हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि इससे टर्म्स का पता चल जाएगा, क्वेश्चन जिस तरह से दिया है आपको टर्म्स को देख के पता चल जाएगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। पंजाबी के लिए आप इसकी पैडागोजी है चाहे वो इंग्लिश की है, सबकी सेम ही है, तो आपका बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है पैडागोजी का वो इस टाइम पे आप कर सकते हो। और ज्यादा हमें क्या है इस टाइम ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल टाइम पे ही है। बाकी आप क्या है, थोड़ी रिवीजन करते रहो, अपने आप को मोटिवेट रखो। तो ये चीजें हैं जो हमारी 1 हफ्ते में पहले करनी चाहिए, क्योंकि बाकी चीजें हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो सबको बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से हमने जो भी रिविजन है वो भी अच्छे से हमने करनी है। तो मैं होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो है जो हेल्पफुल रहेगा, आपको रिविजन है जो वो बेसिकली अच्छे से करते रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मोटिवेट रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू।